हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति काफ़ी सवाल करने लगती है अक्ष से और अक्ष परेशान हो जाते हैं। फाइनली हम आगे घर पहुंच जाते हैं और वो गाड़ी से उतरते हैं और उसको लेके अंदर एंटर करते हैं। तो जैसे ही अंदर एंटर होते हैं, अम्मा उनका वार्म वेलकम करती है और उसको हग करती है श्रुति को, और अक्ष को भी आके हग करती है। जब अम्मा उसको हग करती है तो श्रुति तिरछी निगाहों से अक्ष को देख रहे होते हैं। तो अम्मा काफ़ी देर तक अक्ष को हग किए हुए होती है तो श्रुति अम्मा का हाथ पकड़ के खींचती है और कहती है, मुझसे भी मिल लो, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, है ना। कहती है, या ऑफ कोर्स, बट ऐसा है ना कि अक्ष मेरे यहाँ न्यू गेस्ट है, तो न्यू गेस्ट की तो ज़्यादा खातिरदारी होनी चाहिए ना। तो श्रुति कहती है, कोई बात नहीं, मैं हूँ उनकी खातिरदारी करने के लिए, चलिए अंदर चलते हैं। और अम्मा जो है वो अम्मा का हाथ पकड़ कर उसे अंदर लेके आती है। अब लंदन जैसी जगह और अक्ष बाबू जो सिंगल लड़कियां थे, मोस्टली उनकी नज़रें अक्ष पर टिक रही थी और श्रुति की नज़रें उन लड़कियों पर टिक रही थी जो जो अक्ष की तरफ देख रहे थे। अक्ष जाते हैं अपने ड्रिंक लेते हैं और आके श्रुति के पास चुपचाप बैठ जाते हैं। श्रुति अक्ष की तरफ देखकर कहती है, कहा था ना चेंज कर लो, समझ में नहीं आता ना आपको। तो अक्ष कहती है कि बट हुआ क्या है। कहती, नहीं कुछ नहीं, जो मन में है ना करो, मुझे क्या पड़ी है। तो कहती है, यार तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी। तभी उसमें से एक लड़की आती है अक्ष के पास और उससे हैंडशेक करती है और अक्ष को देखते हुए कहती है, यू लुकिंग हॉट। अक्ष उसकी तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तो कहती है, थैंक यू सो मच। सो आर यू सिंगल? और वहाँ की लड़कियाँ तो भैया सोचती नहीं है। तो श्रुति खड़ी होती है, कहती है, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड मी, आई एम आर वाइफ। तो वो कहती है, ओह माय बैड, सॉरी, बट वेरी चार्मिंग पर्सन। तो श्रुति कहती है, या आई नो, दैट्स व्हाई आई एम हर वाइफ ना। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। श्रुति अक्ष का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से उठाती है, उसे खींच के एक दूसरी तरफ लेके आती है जहाँ लोग कम होते हैं और कहती है, यहाँ बैठो आप। तो अक्ष कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहती है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पार्टी अटेंड करने आए हो ना, हाँ। और वो लड़की आने वाली है जो प्रेग्नेंट है, मेरी फ्रेंड की सिस्टर, तो हम पार्टी अटेंड करने आए हैं, तो यहाँ और लोगों के बीच में बैठने की क्या ज़रूरत है आपको, अभी तो वो भी नहीं आई है, हाँ आप यहाँ बैठो चुपचाप। वेटर यहाँ भी आएगा, जो चाहिए होगा ना उसको बोलना, वो ला के देगा, वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अक्ष जो है वो एकदम चुप, उसे अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा होता है श्रुति का इस तरह हक जताना, इस तरह जेलस फील करना। उसे फाइनली समझ में आ जाता है कि श्रुति जेलस फील कर रही है। तो श्रुति की तरफ देख कर मुस्कुरा रही होती है। तो श्रुति कहती है, क्या मुस्कुरा क्या रहे हो, हाँ मज़ा आ रहा है आपको मुझे तंग करने में, नहीं मुझे बता दो, आप अभी बताओ मुझे, आप ये जानबूझ के कर रहे हो ना, बोलो 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 जल्दी बोलो। और ये कहते हुए वो अक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों के बीच में बस कुछ फासला होता है और श्रुति उसे धमकाते हुए अक्ष के और करीब आ जाती है। अक्ष वहीं के वहीं टिके हुए रहते हैं। श्रुति अक्ष के इतना करीब होती है कि
श्रुति की सांसें अक्ष को साफ साफ महसूस हो रही होती हैं। श्रुति और ज़्यादा क्लोज आ जाती है उसे डांटते हुए, कहती है कि क्या सोचते क्या हो, जो मन में आएगा करोगे, कोई तो आपको कुछ नहीं बोलेगा। ये जो जानबूझ के मुझे जलाने की टेक्निक अपनाई है ना, ये बंद कर दो, मैं बता रही हूँ। तो अक्ष कहते हैं वैसे तो मैं जानबूझ के कुछ कर नहीं रही हूँ, और तुम्हें जलन हो क्यों रही है, तुम तो किसी और से शादी करने वाली हो ना। कहती हाँ, तो कहती हाँ तो क्या, तो तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए ना, क्यों हो रही है बताओ ना। कहती जो शराब हो के जितना खाया ना उतना कीजिए, बेवजह ना मुझसे आर्ग्यू मत कीजिए। अच्छा मतलब आप ये सब सच में जानबूझ के कर रहे हो। तो कहती है कि वैसे तो नहीं कर रही, बट अगर तुम्हारा ये रूप देखने को मिलेगा तो करने से चूकूंगी भी नहीं। तो अक्ष की ये बात सुन के वो एकदम चुप हो जाती है, और थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वो अक्ष के कितना करीब है, कितने पास है वो उसके। और वो जैसे ही पीछे होने लगती है उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिरने वाली होती है। तो अक्ष उसको पकड़ते हैं, पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं संभाल के मेरी जान, इकलौती हो तुम मेरे पास, समझे, और तुम्हारे बिना जीना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपना थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखिए, और उसकी कमर में अक्ष के हाथ रहते हैं, श्रुति के दोनों हाथ अक्ष के शोल्डर पे होते हैं। श्रुति अक्ष की आंखों में देख रही होती है, और अक्ष कभी उसकी आंखों में तो कभी उसके होठों पे बहुत गौर से उसे देख रहे होते हैं। श्रुति 2 मिनट के लिए एकदम खामोश होती है, और अक्ष को अक्ष के पास होने की जो खुशी होती है उसमें बस खो जाना चाहती है। उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा होता है, वो नहीं चाह रही होती कि ये वक्त कट जाए, वो चाहती है कि ये वक्त यहीं थम जाए और मैं अक्ष को और करीब से ऐसे ही देखती रहूं। थोड़ी देर में वहाँ एमा आती है, तो कहती है कि क्या चल रहा है यहाँ लव बर्ड्स। वैसे अक्ष तुमने ना यहाँ आई हुई लड़कियों पे कुछ अलग ही जादू कर दिया है। तो कहती है कि मैंने कैसा जादू कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। तो कहती है यही तो बात है ना आपकी, आप कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। लड़कियां तो मैं पूछ रही थी तुम्हारे बारे में उससे। तो श्रुति अलग होती है अक्ष से, और अक्ष एमा से बात करते हैं तो श्रुति को अच्छा नहीं लग रहा होता बिल्कुल भी। एमा कहती है कि अक्ष मुझे आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो आप आ सकते हो मेरे साथ। तो कहता है यार श्योर श्योर। तो श्रुति कहती है कि मुझे यहाँ छोड़ के आप कहाँ उसकी हेल्प करने जाओगे। तो कहती है कि एमा कहती है यार आई एम योर फ्रेंड, और तुम मेरे लिए ऐसे बोल रही हो। कहती है हाँ तो मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी। तो कहती है मैं बस अभी आई। तो वो अक्ष को कहते अक्ष चलो आप, वो लेके उसको वहाँ से चली जाती है। श्रुति एमा की तरफ देखती है और कहती है दिस इज रॉन्ग एमा। कहती है क्यों,
कहती है, जो तुम करने का ट्राई कर रही हो ना, मेरे को समझ में आ रहा है, मत करो ये सब, अच्छी फ्रेंड हो मेरी, क्यों बिगाड़ रही हो। तो कहती है कि या मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जैसा तुम समझ रही हो, बस अक्ष को किसी से मिलवाना था इसलिए लेके जा रही हूँ। कि किससे मिलवाना था मुझे बताओ। कहती है कोई है जो उसे पूछ रहा था, बस उसी से। और वैसे भी तुम तो शादी कर रही हो ना। कहती है तो मैं शादी कर रही हूँ तो इसका क्या मतलब है। तो कहती है तो अब तुम सेटल हो गई तो क्या अक्ष सिंगल रहेंगे पूरी ज़िंदगी? नहीं ना, उन्हें भी तो कोई चाहिए। तो कहती है कि अच्छा तो ये एक्स्ट्रा तुम्हारी प्लानिंग है, तुम लोग जानबूझ के कर रहे हो जिससे मैं अपना डिसीजन चेंज कर दूँ। इमा कहती है मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही और अक्ष ने भी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो कहती वन सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि मैं शादी कर रही हूँ? मैंने तो तुम्हें बताया नहीं, इट मीन्स अक्ष ने तुम्हें बताया राइट? तो माँ कहती है कि नहीं वो मुझे पता। कहती कहाँ से पता चल गया, ज़रा मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ कहाँ से पता चला। तो कहती है कि मैडम आप बोल रही हैं जिससे आप शादी कर रही हो वो हमारे कॉमन फ्रेंड है तो अगर आपके ये इंटरोगेशन ख़त्म हो चुकी हो तो मैं जाके काम कर लूँ। हाँ तो वो चुप हो जाती है। कहती है तुम अक्ष के ऊपर ना बेवजह शक करती रहती हो और कुछ नहीं है। कहती है तुम मुझे बताओगी मैं बेवजह शक कर रही हूँ या सच में? कहती है देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, तुम यहाँ बेबी शावर में आई हो, एंजॉय करो, मुझसे लड़के क्या ही मिल जाएगा, कुछ भी नहीं, बेवजह तुम्हारा ही मूड खराब होगा। तो अपना मूड ना खराब करके एंजॉय करो इस पल को, ओके? और ये कह के वो वहाँ से उठ जा चली जाती है। श्रुति सोच रही होती है कि मैं जो कर रही हूँ वो क्या सही है या नहीं है, मुझे निखिल से शादी करनी चाहिए, मेरे दिल में तो आज भी अक्ष है, शादी के बाद क्या मैं निखिल को सब कुछ दे पाऊँगी जो उसको चाहिए? अक्ष के अलावा कोई मुझे टच करेगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? बट बेबी अक्ष तो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते यार, जब देखो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, क्या करूँ मैं, मुझे कैसे उलझन में फंसा दिया है भगवान। और वो यही सब सोच रही होती है तभी वहाँ लड़की आती है, वो जो प्रेग्नेंट होती है वो आती है और श्रुति उसको देखती है और वो उसमें पूरी तरह खो जाती है। इधर अक्ष थोड़ी देर बाद आते हैं और श्रुति के पास आके खड़े होते हैं। श्रुति पूरी तरह से उस लड़की को देखने में गुम होती है, अक्ष उसे उस समय बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, बस उसके पास खड़े हो जाते हैं और खुद भी उस पल को महसूस कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो वक्त उन दोनों की ज़िंदगी में भी तो था ना एक टाइम पे, जो छीन लिया गया पूरे तरीके से। क्या श्रुति अक्ष का हाथ पकड़ती है, कहती है कितनी सुंदर लग रही है ना ये? अक्ष कहते हैं हाँ बहुत सुंदर। कहती है तुम्हें पता है जब आप प्रेग्नेंट थे ना ऐसे ही लगते थे, इतना ही ग्लो था आपके फेस पे,
बहुत ज़्यादा ग्लो था। मुझे पता है आपके ग्लो से चिड़ मच रही थी, मुझे कॉम्प्लेक्स आ रहा था। तो अक्ष कहती है मुझसे कॉम्प्लेक्स आ रहा था। कहती है हाँ ना बहुत ज़्यादा। कहती है यार तुम अजीब भी बीवी हो मेरी, मुझसे ही कॉम्प्लेक्स खा रहे थे। कहती है तो क्या करती इन दिनों आप इतने खूबसूरत लग रहे थे, वक्त कितना अच्छा चल रहा था ना हम दोनों का। तभी इमा उसको लेके उस लड़की के पास जाती है, अक्ष की तरफ इशारा करती है। तो अक्ष क्या उसे इशारों इशारों में कहते हैं कि ध्यान रखना। तो वो जाती है और उसे वहाँ बिठाती है, श्रुति वहाँ बैठती है और वो श्रुति को हक करती है और कहती है यार तुम कब आई, आई मिस्ड यू अ लॉट। तो कहती है बस जैसे पता चला मैं आ गई, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहती है सच में? कहती बहुत ज़्यादा। कहती है कि वैसे कितने मंथ का बेबी है? कहती है कि सिक्स एट्थ शायद सेवन्थ एट्थ या सिक्स्थ में कराते होंगे बेबी शावर, जो इस भी उसमें कराते हैं तो वही मंथ चल रहा था, मुझे अभी इतना याद नहीं है। तो कहती है कि कहती है फिर नाम सोचा है क्या रखोगे? तो कहती है हाँ ना। तो नाम बताती है। तो कहती है अच्छा तुम कैसे हो? कहती है मेरे पास भी बेबी है। तो कहाँ है तुम्हारा बेबी? उसकी बहन को कुछ पता नहीं होता तो पूछ लेती है। तो कहती है घर पे है। नाम क्या है उसका? तो श्रुति थोड़ी सी बेचैन हो जाती है क्योंकि बेबी का कोई नाम तो उसने आज तक लिया ही नहीं होता, बस बेबी बेबी बेबी। तो बेचैन होने लगती है, वो नाम को याद करने की कोशिश करने लगती है। तो कहती है बताओ श्रुति। तो कहती है यार मुझे याद नहीं आ रहा। तो कहती है अपनी बीवी का नाम याद नहीं आ रहा तुम्हें? कैसी माँ हो यार, कोई अपनी बीवी का नाम कैसे बोल सकता है? तो श्रुति पैनिक होने लगती है और अपना सर पकड़ने लगती है, उसे कुछ चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं। वो वहाँ से उठने लगती है तो हाथ पकड़ लेती है, कहती है अपने बेबी का नाम तो बताती जाओ। तभी वहाँ एमा आती है और श्रुति को इस तरह देखती है तो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है क्या हुआ, और अक्ष को कॉल करती है क्योंकि अक्ष थोड़ा दूर खड़े हुए होते हैं वहाँ से। हाँ तो अक्ष जैसे ही कॉल देखते हैं वो कॉल पिक नहीं करते और सीधे वहीं पहुँचते हैं। एमा उसकी तरफ देखती है अक्ष की तरफ और कहती है श्रुति की तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो अक्ष आके श्रुति का हाथ पकड़ते हैं, श्रुति कहती है अक्ष प्लीज़ घर चलें। तो अक्ष कहते हैं क्या हो गया बताओ? कहती है बेबी, कहते हैं बेबी घर पर है ना मम्मी के पास। हाँ बट हमारे बेबी का नाम क्या है, मुझे उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा? हमने नाम रखा था ना? हाँ सच में रखा था ना? मुझे आप प्रेग्नेंट थे और मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत, प्लीज़ चलो ना यहाँ से, मुझे नहीं रुकना यार, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो एमा की बहन बोलती है श्रुति रुको ना यार, मेरे यहाँ आई और अब इस तरह बिना फंक्शन पूरा हुए जाओगी। कहती है मैं तुमसे आके बाद में मिल लूँगी यार, प्लीज़ अभी मुझे जाने दो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। और ये कह के वो वहाँ से उठ जाती है। अक्ष कहते हैं हाँ मैं लेके चल रही हूँ ना तुम्हें, टेंशन मत लो, तुम आओ बाहर आओ, चलो बाहर चलते हैं, शायद तुम्हें कुछ लाइट फील हो, चलो आ जाओ। और ये कह के उसका हाथ पकड़ती है और उसे बाहर लेके आती है। श्रुति
کے سر میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے. بار بار وہ نام کو ریکال کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے بٹ اسے نام یاد نہیں آ رہا ہوتا بالکل بھی. اور وہ سوچتے سوچتے اپنے سر پہ اتنا پریشر اپنے مائنڈ پہ دیتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. اکش اس کو پکڑتے ہیں اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بٹ اسے ہوش نہیں آ رہا ہوتا. وہ فٹافٹ اپنا فون نکالتے ہیں, نکھل کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لو, شروتی کی حالت بہت خراب ہے, وہ بے ہوش ہو گئی ہے. نکھل کہتا ہے تم وہاں پہنچو, میں ایمرجنسی کی اپائنٹمنٹ لیتا ہوں. اور اکش اسے گاڑی میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے ڈرائیو کر کے نکلتے ہیں. آگے کیا ہوگا یہ نیکسٹ پارٹ میں سنیں گے. تب تک کے لیے بائے بائے, ٹیک کیئر. تھینکس فار واچنگ, لائک اینڈ کامنٹ.